थाट भैरव में कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं। भैरव थाट यानी कि बिलावल भैरवी कल्याण के बाद हमारा चौथा थाट, जिसमें हम जानने जा रहे हैं कि कौन से कॉर्ड्स लगते हैं। अब तक तीन थाटों में मैं चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि पहली काली से अगर हम देखें तो कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं, मेजर और माइनर। अब ये पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा भैरव थाट में कौन से कॉर्ड्स लगते हैं। ये पूरी एक सीरीज़ है 10 थाटों की, ये पूरी मैं कंप्लीट करूंगा, चौथे थाट पर अभी हम हैं। पूरा वीडियो देखिए और जानिए थाट भैरव में कौन से कॉर्ड्स लगते हैं। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप द सिंगर्स कंपेनियन, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिसके जरिए घर बैठे आप बॉलीवुड, इंडियन क्लासिकल, कर्नाटक, वेस्टर्न, हर प्रकार का संगीत सीख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी अपना मोबाइल उठाइए और डाउनलोड कीजिए इस बेहतरीन एप्लीकेशन को और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सांवरे सूरत मोरे मन भावे, सुंदर लाल हमारे, जागो मोहन प्यारे, जागो। राग भैरव का ये एक छोटा ख्याल है, उसकी एक बंदिश है बड़ी ही प्रसिद्ध सी। ऐसे ही अगर भैरव में कुछ और रचना, क्लासिकल में तो खैर कॉर्ड्स लगते नहीं हैं, अगर ऐसी कोई और रचना जैसे कोई गज़ल, कोई भजन अगर हो, कोई गीत हो और वो आपको बजाना हो या फिर इसके साथ में कॉर्ड्स लगाने हो, और या तो मैं ये भी कहूँगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि क्लासिकल में कॉर्ड्स नहीं लगते, वो तो है, लेकिन इस बंदिश को अगर आप फ्यूजन बनाना चाहें, इसके साथ अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स लगा दें, गिटार, कीबोर्ड वगैरह है ना, अगर इनका इस्तेमाल करके थोड़ा एक फ्यूजन बनाएं तो क्यों उसमें कॉर्ड्स इस्तेमाल नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो वहाँ अगर आप कॉर्ड्स लगाना चाहें तो कौन से कॉर्ड्स लगा सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले फिर से एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन, पुराने स्टूडेंट्स को भी अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि, और न्यू स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए कि क्या कॉर्ड्स का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो हम दो प्रकार के कॉर्ड्स देख रहे हैं, मेजर और माइनर। मेजर बनते हैं सा ग प ग शुद्ध से, और माइनर बनते हैं सा ग प ग कोमल से। तो अब इसमें ग सा और प ये रिप्लेस भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल। वो कैसे होता है वो तो खैर पूरा वीडियो देखोगे हारमोनियम पे तो अपने आप समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, स्केल्स का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। कौन से स्केल से कौन सा थाट में कौन कौन से स्वर हारमोनियम पे कहाँ कहाँ बजते हैं, अगर वो मालूम होगा तो कॉर्ड्स निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही सा ग प बजता है, अब सा ग प से कॉर्ड बनता है, प सा ग से भी बनता है, ग प सा से भी बनता है ना। ये इसका सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि सा ग प ही हो हर बात, उल्टा फेर बदल भी करके बन सकता है सीक्वेंस। तो इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए, जैसे ही हम ऋषभ से अगर सा ग प हम बजाने जाते हैं तो सा ग प मैं कह रहा हूं, तो हम पहली काली से बजा रहे हैं तो पहली काली का कोमल ऋषभ हमारा बनता है डी, है ना, सी शार्प का डी बनता है। अब डी से सा ग प क्या निकलता है और वो सा ग प क्या भैरव के इन स्वरों से कुछ रिलेशन रख रहा है, स्वर संवाद है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए इसी से मालूम चलता है कि वो कॉर्ड कौन सा बन रहा है। क्योंकि स्केल्स की नॉलेज अगर आपको है तो पता है कि कोमल ऋषभ को अगर अपन सा मान के सा ग प बोलेंगे तो वहाँ से कौन सा शुद्ध ग होता है, वहाँ से कौन सा कोमल ग होता है, तो कौन सा कॉर्ड बनाइए, ठीक है। तो इसलिए स्केल और थाट की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए भैरव थाट में कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं। बाकी कल्याण में और हमारा भैरवी और बिलावल में तो मैं ऑलरेडी दे ही चुका हूँ, आगे आने वाले 6 थाट भी मैं जल्द ही पूरे कर दूंगा। फुल वीडियो देखिए। तो पहली काली से हम लोग अब भैरव थाट में कॉर्ड्स देखने जा रहे हैं। तो पहली काली से स्वर आप देख लीजिए, सा, ये कोमल ऋषभ है, ग म प कोमल धैवत है, नी और सा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि इस स्केल से जो जो नोट्स लग रहे हैं
उन सारे स्केल से आपको सारे गम पधनी से आना चाहिए, तब जाके सागप आप पहचान पाओगे। जैसे यहाँ से आता है आपको सारे गम, शुद्ध कोमल तीव्र सब पता होने चाहिए। जैसे ये सा है, कोमल ऋषभ है, शुद्ध रे है, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी और ये शुद्ध नी। तो ये जो सारणी है, ये जो एक सीक्वेंस है, ये हर स्केल से यहाँ से भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मैं बोलता हूँ कि सा से तो ये कॉर्ड बन रहा है, लेकिन कोमल ऋषभ से कौन सा कॉर्ड बनेगा, तो कोमल ऋषभ के कॉर्ड को पहचानने के लिए वहां से सागप पता होना जरूरी है। और जाहिर है कि सागप पता होना यानी सारेगम पद नि सा सब पता होना जरूरी है। तो यहां को भी सा मानकर पूरी टेबल याद कर लो। सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म तीव्र म, प कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी और शुद्ध नी, है ना। ये पूरी टेबल आपको मालूम होनी चाहिए हर सुर से, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं, अब जाहिर है कि ये चीज मैं आपको पहली गाली से बता रहा हूं। अगर यही आपको भैरव जो है आप अगर पांचवी गाली से बजा रहे हो मान लो, तो अब यहां से आपको कॉर्ड्स पता करने। अब जैसे पहली गाली से बजाया था तो सा का कॉर्ड सी शार्प था, लेकिन अब पांचवी गाली से बजाओगे तो सा का कॉर्ड ए शार्प हो जाएगा, सी शार्प नहीं रहेगा। तो स्केल्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएंगे, तो वो आपको खुद को ही ढूंढना है। मैं आपको पहली काली से दसों थाटों में बता रहा हूँ, उसके बाद जो भी काम है वो आपको खुद से करना होगा। और चीज़ें यू नो, अब मैं टेक्निक बता रहा हूँ बेसिकली। अगर मैं अगर आपको प्रोसेस बता दूं कि कैसे निकालना है, तो बाकी सब जगह से आप निकाल ही लोगे। अब मैं 12 स्केल से आपको हर थाट बताने जाऊँ तो बहुत लंबा प्रोसेस है और आई गेस वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। इसलिए मैं पहली काली से आपको हर थाट में बताकर प्रोसेस बता देना चाहता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं, जैसे सा से साफ मैंने बता दिया कि सी शार्प बन रहा है। अब ये सा ग प बने या ये प सा ग बने, है ना, ग प सा बने, ये आप देख सकते हैं। ऑक्टेव पर निर्भर करता है कि आप बजाते बजाते कहाँ गा रहे होगे। अब जैसे गाते गाते आपने अगर ऊपर पहुँच गए तो आपको ये कॉर्ड लगाना पड़ेगा, ये भी लगा सकते हो प सा ग, है ना। अब जाहिर है आप यहाँ गा रहे होगे तो यहाँ का कॉर्ड तो लगाओगे नहीं। अब जैसे आप गा रहे हो तो आप देख रहे हो मैंने मंद्र का भी पंचम ले रखा है, मध्य का भी पंचम लेकर सागप भी फ सागप बना रखा है ना, इससे थोड़ा भराव मिल रहा है ना। और ये मैं लाइट के लिए बता रहा हूँ आपको, क्लासिकल के नहीं। क्लासिकल में हारमोनियम में कॉर्ड्स नहीं लगते हैं, है ना, अनलेस कि आप फ्यूजन बना रहे हो कुछ। फिर अगर आप ऊपर गा रहे होगे तो आपका सा ऐसे जाएगा, आप देख रहे हो। मैं पंचम पे भी टिका हूं तो भी मैंने सा का प्रयोग किया है, क्योंकि पंचम पे भी वही वाला कॉर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद आते हैं ऋषभ पे। अब ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऋषभ से सारे गम पद निशा कौन से हैं, तो सा रे ग म प, तो ये सा ग प। अब ये देखिए कि इस सा ग प का पहली काली के भैरव थाट से क्या संबंध है। तो ये संबंध है कि ये सा हमारा कोमल ऋषभ है, इसका ग हमारा मध्यम है और इसका प हमारा कोमल ध है। फिर से देख लीजिए, ऋषभ यानी कि दूसरी सफेद का सा हमारा कोमल ऋषभ बन रहा है, सारे गम सारे, है ना, और ग हमारा मध्यम बन रहा है सारे गम, और जो इसका पंचम है वो हमारा कोमल ध बन रहा है सा से ध। इसीलिए मैं पहले ही कह चुका हूं 12 स्केल 10 थाट ये सब करना बहुत जरूरी है, तब जाके इसे आप अच्छी तरह से प्रॉपर समझ पाओगे। तो ये हमारा कॉर्ड बन रहा है। अब ये तो सी शार्प बन गया, ठीक है, ये हमारा डी। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सी शार्प मेजर है, ये माइनर नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो सुर है ये हमारे स्केल के अनुसार कोमल ग बनेगा और वो हमारे भैरव थाट में नहीं लगता है। और इसी तरह से ये हमारा मेजर कॉर्ड तो बन गया। अब जैसे माइनर इसे मैं करना चाहूँ तो कोमल ग करना पड़ेगा, यानी ये ग को कोमल कर दिया, ये कॉर्ड भी हमारे भैरव में एप्लीकेबल है पहली काली के अनुसार। लेकिन मैं पहले भी वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ कि हो सकता है कि वो कॉर्ड्स उस थाट में उस स्केल से लग रहे हों, लेकिन गायकी में उनका यूज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी निर्भर करता है, क्योंकि इस कॉर्ड का भैरव में कहीं यूज़ नहीं आएगा। अगर आप कभी भैरव पहली काली से गाओगे तो ये कॉर्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा कोई टिकाव ही नहीं बनेगा जहाँ पे इस कॉर्ड का इस्तेमाल किया जा सके, है ना। इसलिए कुछ कॉर्ड्स लगते हैं पर इस्तेमाल करना उनका व्यर्थ है, कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना, अनलेस कि आप कुछ फ्यूजन बनाना चाह रहे हो और कुछ अलग कॉर्ड्स का प्रयोग करना चाह रहे हो, तो वो तो खैर उसमें तो फिर कोई से भी कॉर्ड्स लग सकते हैं, है ना। मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूँ। ये हो गया, यहाँ से हमारा डी मेजर भी बन रहा है, माइनर भी बन रहा है, लेकिन सिर्फ मेजर इस्तेमाल में आएगा। फिर आते हैं आगे ग पर। अब ग से सारे ग म पद नि सा बोलो तो सा रे ग और म प, तो कॉर्ड ये भी इस्तेमाल में आ रहा है, यानी हमारा सी डी ई एफ, ये एफ कॉर्ड है हमारा, ये भी यूज में आ रहा है, एफ मेजर है, लेकिन ये जाहिर बात है हमारे थाट में तो एप्लीकेबल है लेकिन वो उस चलन के साथ नहीं बैठेगा। उसी तरह से ये एफ माइनर भी इसमें लग रहा है
लेकिन इस्तेमाल नहीं आएगा कहीं भी आपके। ये लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ये आया तो ये लग जाएगा, ये कहीं भी नहीं लगेगा आपके भैरव के चलन में, ना ही ये लगेगा ना ही ये लगेगा, ठीक है। ये आपका फिर भी लग सकता है, ये आपका मध्यम का कॉर्ड यानी एफ शार्प माइनर है ना, सा रे कोमल ग प, जो कि हमारा बन रहा है म ध सा, ये फिर भी कभी कभार आप इस्तेमाल कर सकते हो भैरव में। देखा जाए तो ये हमारा काफी सिमिलर इसके भी बन रहा है कि आप डी से जब आप बनाते हो जो डी मेजर जो कॉर्ड बन रहा है उसको ही थोड़ा सा बस ये एक सुर बदल दो अगर यहाँ से, तो ये आपका एफ शार्प जो है माइनर बन रहा है, ठीक है। फिर पंचम से तो आप ही देख रहे हो, पंचम का जो है सागा पर लेंगे तो ये बनेगा जिसमें सा और ग तो लग रहा है लेकिन हमारा पंचम जो है वो शुद्ध ऋषभ बन रहा है, तो वो हमारे काम में नहीं आने वाला है, तो यहाँ से भी कोई कॉर्ड नहीं बन सकता। यहाँ से हमारे ये बन सकता था लेकिन ये कोमल गंधार है जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा, यहाँ से हमारा कोई कॉर्ड नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कौन कौन से कॉर्ड्स देख लिए, सी शार्प मेजर, डी मेजर, डी माइनर, एफ मेजर, एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, बस यही सारे कॉर्ड्स हैं जो इसमें इस्तेमाल में आएंगे, इसके अलावा और कोई कॉर्ड नहीं है जो भैरव थाट में इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो बस ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के वीडियोस, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाता रहूंगा, और कॉर्ड्स पर जो मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं 3 थाटों में, उसी तरह से अब और भी आगे 10 थाटों में मैं कंप्लीट करूंगा। तो देखते रहें और सब्सक्राइब करें संगीत प्रभा वर्ल्ड को। शुक्रिया।